मुनासिब रिश्ते की तलाश बच्चे की शादी में तखीर बिलअमूम इसलिए होती है कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल पाता। आपकी ये ख्वाहिश और कोशिश बिल्कुल बजा है कि आपके बेटे या बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता मिले, बल्कि ये फिक्र व जस्तजू आपका फ़र्ज है। इस्लामी तालीमात का तकाजा भी यही है कि आप मुनासिब रिश्ता के लिए पूरी जद्दोजहद करें। इस्लाम का मुतालबा आपसे ये हरगिज़ नहीं है कि आपको जो भला बुरा रिश्ता मिल जाए आंखें बंद कर कर बस इसको ही कबूल कर डालें। तो इस मामले में कुछ गौर खोज ना करें। शादी इंतहाई अहम मामला है, पूरी ज़िंदगी का मसला है। ना सिर्फ दुनिया के बनने बिगड़ने तक इसके असरात महदूद हैं, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। ये मामला नहायत संजीदा है। शरीक हयात के इंतखाब में सोच विचार लाजमी है। सोचने की बात सिर्फ ये है कि आपकी सोच विचार इस्लाम की रोशनी में हो। इंतखाब का जो मियार इस्लाम ने बताया है वही आपकी पेश नज़र हो। इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। अपनी औलाद के लिए शरीक हयात के इंतखाब में इन्हीं बुनियादों को सामने रखिए इनको पेश नज़र रखने की इस्लाम ने हिदायत दी है। बेलाग जायज़ा लीजिए कि बच्चे की शादी में कहीं इसलिए तो तखीर नहीं हो रही कि आपने लड़के या लड़की के इंतखाब में कुछ ऐसी बातों को अहमियत दे रखी है जिसकी दीन में कोई अहमियत नहीं। आप और बातों के लिए अहमियत दे रहे हैं कि समाज में आम तौर पर इन्हीं को अहमियत दी जा रही है, या आपको इसलिए इन पर इसरार है कि आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस सिलसिले में इस्लाम की तालीमात व हदायत क्या हैं। शरीके हयात के इंतखाब का मियार शरीके हयात के इंतखाब में आम तौर पर पांच बातों को पेश नज़र रखा जाता है। मालो दौलत, हसब व नसब, उसनो जमाल, दीन व इखलाक और तलीम। इसमें कोई शक नहीं कि ये पांचों बातें अपनी जगह अहम हैं। मालो दौलत की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है, बिलखसूस इस दौर में। खानदान और हसब व नसब बाज़ पहलुओं से नज़रअंदाज कर देने के काबिल नहीं होते। बाज़ खानदान या बरदरियाँ जो कि अरसा दराज से पसमानदा हैं, इनमें बाज़ मुआशरती, ज़हनी और इखलाकी कमज़ोरियाँ ज़रूर होती हैं और तर्ज़ मुआशरत, अंदाज़े फ़िक्र और सलूक व बर्ताव का फ़र्क बाज़ औक़ात इस दर्जा असरअंदाज होता है कि खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की तवक्को ही नहीं की जा सकती। इंतखाब में हुस्न व जमाल को भी बुनियादी अहमियत हासिल है। लड़की के इंतखाब में तो ख़ास तौर पर यही चीज़ फैसला कुन होती है। इससे इनकार की क्या गुंजाइश है? अल्लाह ताला ने इंसान को ज़ुक़े जमाल दिया है और खूबसूरती पसंद बनाया है, और खूबसूरती पसंद करने ही की चीज़ है। तालीम की अहमियत और ज़रूरत भी मुसलम है, और दौरे हाजिर में तो तलीम और डिग्री के रिश्ते के मामले में खसूसी ख्याल रखना जाना चाहिए। ये वाकया है कि एक ऊंची तलीम हौसलों को बुलंद करती है, तहजीब से आरास्ता करती है, इज्जत व एहतराम का जरिया बनती है, खुशहाल ज़िंदगी और समाज में वक़्त व अजमत का सबब बनती है। रहा दीन व अखलाक का मामला, तो जाहिर है मुसलमान के नज़दीक इसकी अहमियत और कदर तो होनी ही चाहिए। मुसलमान माँ कैसे ये गवारा कर सकती है कि वो ज़ेर तजवीज़ फ़र्द में जो सब कुछ तो देखे लेकिन इस पहलू को नज़रअंदाज कर दे या इसकी कोई अहमियत ही ना दे। कि आपकी ख्वाहिश और आरज़ू और कोशिश अगर ये है कि आपकी बेटी या बेटे को ऐसा शरीक ज़िंदगी मिले जो इन पांचों बातों में खूब मियारी हो, तो आपकी तमन्ना मुबारक, आपकी आरज़ू भी दुरुस्त और आपकी कोशिश भी हक बजानी। कौन नहीं चाहेगा कि इसके जिगर कोशों को ऐसा ही जोड़ा मिले जो इन पांचों खूबियों से आरास्ता हो। इस्लाम आपकी इस ख्वाहिश, तमन्ना और कोशिश को हरगिज़ नकदरी नहीं करता और आपके इन जज्बात का एहतराम करता है। अगर आपको ऐसा जोड़ा मिल जाए जिसमें ये सारी खूबियाँ मौजूद हों, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह की खसूसी नवाजिश है। मगर आम हालात में ये इंतहाई मुश्किल है कि हर रिश्ते के लिए आपको सारी खूबियाँ यकजा मिल जाएं। किसी में कुछ खूबियाँ मिलेंगी तो कुछ खराबियाँ। दरअसल इसी में आपका इम्तिहान है कि आप इंतखाब में इस्लामी नुक्ता नज़र से अपने सामने रखेंगे और इन्हीं खूबियों की वजह से तरजीह बनाएंगे जिनको इस्लाम ने तरजीह दी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें।